हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीताज वर्ल्ड। आज क्रिसमस डे है तो चलिए एक फ्रूट केक बनाते हैं, जिसे मैं बिना अंडे के बनाऊंगी और वो भी मोमो स्टीमर के अंदर। तो सबसे पहले हम सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर और उन्हें हम लोग सोख करके रखेंगे कम से कम 4-5 घंटे के लिए पोमेग्रेनेट जूस में, या फिर कोई भी जूस आप ले सकते हैं। मेरे दादाजी को बेकिंग का बहुत शौक था, तो ये रेसिपी मेरी उन्हीं से सीखी हुई है। बचपन में मुझे खाना बनाने का इतना ज़्यादा शौक था, तो मैं जो भी घर का बड़ा अगर कोई कुकिंग करता होता था, मैं उसके सामने जाके खड़ी होती थी या फिर उनके हेल्पर बन जाया करती थी। तो ये मेरी बचपन में सीखी एक और रेसिपी आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल मैं आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप इसको वहीं से देख लीजिएगा। Thank you.
आपका बेटर अगर कभी गाढ़ा लगे तो उसमें आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। मैंने मोमो स्टीमर को अच्छी तरह प्रीहीट कर लिया है। नीचे ये सॉल्ट है, ऊपर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है। अब इसे हम कम से कम 10 मिनट तक हाई फ्लेम में और 20 मिनट्स तक हम उसको लो फ्लेम में बेक करेंगे। ना अच्छा बेक हुआ है देखिए। तो हमारा फ्रूट केक तैयार है। आप भी घर में ऐसे बनाइए और मुझे ज़रूर ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। नहीं अच्छा लगा तो भी मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।